कितना अजीब है ना, हमारा पूरी जिंदगी लाखों करोड़ों के नोटों के बीच से निकल जाती है, लेकिन हाथ में आती है सिर्फ हजारों की सैलरी। ये ठीक वैसा ही है जैसे समुंदर के पास रहते हैं लेकिन पानी को तरसते हैं। पर समुंदर के पानी से नमक तो बना सकते हैं ना। मेरा दादी हमेशा कहता था कि ईमानदारी का सब्जी में अगर थोड़ा सा बेईमानी का नमक मिलाएगा तो किसी को पता नहीं चलता। लेकिन डर भी लगता है कि अगर किसी को पता चल गया तो भ्रष्टाचार, ये शब्द एक राक्षस जैसा होता है। मेरा हिंदी अच्छा है ना, क्योंकि बंबई में इतने सालों से रह रहा हूं तो क्या हिंदी, क्या गुजराती और क्या भोजपुरी, सब सीख गया। और साथ ही साथ सीख गया इस ईमानदारी की सब्जी में थोड़ा सा बेईमानी का नमक मिलाना। तो क्या गलत किया मैंने? बेईमानी कौन नहीं करता? हाँ बोलो, कौन नहीं करता बेईमानी?